रायगढ़ में हुई मारपीट की घटना के विरोध में दुर्ग में कनिष्ठ प्रशासनिक राजस्व सेवा संघ के बैनर तले अधिकारी कर्मचारियों ने दिया धरना। वहीं सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते तहसील कार्यालय में लगा ताला। रायगढ़ अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं न्यायालय तहसीलदार रायगढ़ परिसर में हुई मारपीट की घटना के दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सोमवार को दुर्ग में राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। इसके तहत कनिष्ठ प्रशासनिक राज्य सेवा संघ के अधिकारियों कर्मचारियों ने दुर्ग के मेनोनाइट चर्च के समीप धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने रायगढ़ में हुई मारपीट की घटना की जमकर निंदा की और नारेबाजी करते हुए आक्रोश प्रकट किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। यहां हम आपको बता दें कि रायगढ़ में न्यायालय परिसर में मारपीट एवं गाली गलौज की घटना के बाद दोषियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, जिसके विरोध में संपूर्ण प्रदेश में कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले आंदोलन किया जा रहा है। अधिकारियों ने अब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से कड़ी नाराजगी जताई है। इस संबंध में अधिकारियों कर्मचारियों ने एक ज्ञापन कलेक्टर को भी सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग कर डाली। वहीं इनके द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने के चलते दुर्ग तहसील कार्यालय के मेन गेट पर ताला लगा। आयोजित धरना प्रदर्शन में तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य राजस्व संघ, निरीक्षक संघ, पटवारी संघ, लिपिक लघु वेतन संघ, कोटवार संघ, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन सहित राज्य प्रशासनिक सेवा संघ से जुड़े लोग शामिल हुए। इस मामले में अधिकारियों ने 48 घंटे का वक्त दिया है, जिसके बाद इस आंदोलन को तेज करने की बातें कही है। राजस्व न्यायालय के अंदर जो वकीलों के द्वारा घटना कारित की गई है, उनका छत्तीसगढ़ पटवारी संघ कड़ा घोर निंदा करता है। और एक बात बहुत ही सोचनीय है, न्यायालय परिसर में इस तरीके से घटना यदि घटित हो सकता है तो हम लोग फील्ड के कर्मचारी, हमारे साथ क्या हो सकता है। हम भूपेश राव आदरणीय मुख्यमंत्री काका जी से अनुरोध करते हैं कि प्रशासन और शासन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुदृढ़ व्यवस्था करें और हमें सुरक्षा प्रदान करें। वहाँ के नायब तहसीलदार एक कार्यपालिक मजिस्ट्रेट होते हैं, उसके साथ और वहाँ के जो शासकीय कर्मचारी हैं, भृत्य हैं, लिपिक है, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया है वकीलों के द्वारा और उनके साथ मारपीट की घटना की गई है। उसका सारे संगठन और राजस्व विभाग के सारे प्रांत अध्यक्ष और सारे जो अधिकारी कर्मचारी का फेडरेशन है, संगठन है, सारे उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और आज से सारा राजस्व विभाग का कामकाज बंद रहेगा। सारे अधिकारी कर्मचारी हड़ताल में रहेंगे, तरह से बंद है। कोई भी राजस्व अधिकारी या कर्मचारी आज के डेट में जो है काम पे नहीं है, क्योंकि जो एक राजस्व न्यायालय और परिसर में जो इस प्रकार की घटना हुई है और नामजद रिपोर्ट कराने के बाद भी पुलिस विभाग के द्वारा आज तक की न तो गिरफ्तारी की जा सकी है और न ही किसी प्रकार से कार्रवाई की गई है। उसके विरोध में सारा राजस्व प्रशासन आज से जो है काम में बंद है। उसमें सारे पटवारी संघ है, राजस्व विभाग के सारे RI संघ है और सारे लिपिक और भृत्य संघ सारे उसका समर्थन में हड़ताल में आज से आम जनता को जो अब देखिए, जब तक कि न्यायालय की जो गरिमा है, न्यायालय परिसर और राजस्व प्रशासन जो है पूरे प्रशासन का रीढ़ होता है, जो कि जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट होता है वो इस प्रकार के जो लॉ एंड ऑर्डर होते हैं उसको संभालने वाले होते हैं। अगर उन्हीं के ऊपर आक्रमण होगा और उनके बाद जो आक्रमण कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो मजबूरन जो है राजस्व प्रशासन को रोड में और धरना प्रदर्शन में और कामकाज बंद करना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो भयमुक्त और काम करने के हमारे पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है, क्योंकि हम सारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं इतने भय ज्यादा हैं कि हम काम करने की स्थिति में नहीं है आज के दिन। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।